नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपके समक्ष थोड़े अकादमिक विषयों को लेकर, या कहें कि जो मेरा मूल विषय है जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था, उसी श्रृंखला को पुनः चालू करते हुए एक नए सीरीज़ का आज से, या कहें कि कल से शुरुआत मैं करने वाला हूँ, जिसके प्रतिदिन आपको कुछ कुछ यूनिट्स में या कुछ कुछ मिनटों में वीडियो दिए जाएंगे, प्राप्त होंगे। क्या है वो श्रृंखला और किस विषयों को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उससे जुड़ सकते हैं और अपना और अपने साथियों का ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, उसको जानिएगा समझिएगा। 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में NTA नेट की परीक्षा आयोजित हो रही है भारत में। उसके संदर्भ में लेकर, विषयों को लेकर, जिन विषयों की मेरे पास समझ है उनके संदर्भ में कुछ वीडियो या कुछ पूर्व के पेपरों में दिए गए सवाल जवाब, अपना अनुभव और क्या नेट के बाद हो सकता है या नेट के बिना भी क्या हो सकता है, उन सभी विषयों की जानकारी खासकर अकादमिक परिप्रेक्ष्य में लेकर आपके समक्ष कुछ वीडियो बनाए जाएंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए और मेरे लगभग लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय के 7 से 10 वर्षों का अनुभव मैं शेयर करूँगा, अपने अकादमिक जगत के 2007 से लेकर 2020 तक के अनुभवों को शेयर करूँगा, क्या होता है ये पेपर, कैसे पास किया जाता है और पास करने के बाद क्या होता है और पास ना करने की स्थिति में क्या होता है, या किन तरीकों के माध्यम से आप इसको पास कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, उन सभी की जानकारी इस श्रृंखला में प्रदान की गई कुछ कुछ वीडियो में आपको दी जाएगी। अब सवाल आपके अंदर उठेगा कि UGC ने तो सैकड़ों विषयों की परीक्षाएँ करवाता है और आप भी कुछ कुछ विषयों की तैयारी करते होंगे, लेकिन मैं किन किन विषयों के लिए आपको कुछ ज्ञान दे सकता हूँ या कुछ बातें बता सकता हूँ, तो लिख लीजिए या समझ लीजिए। हिंदी, खासकर हिंदी साहित्य से संबंधित जो पूर्व की परीक्षाएं हुए हैं उनसे संबंधित आपको वीडियो दिए जाएंगे उनके संदर्भ में, क्योंकि हिंदी से नेट है मेरे पास, कई बार नेट है, JRF नहीं हो पाया है। कुछ खामियाँ कह लो, कमियाँ कह लो या तैयारी का अभाव कह लो, कम से कम नेट तो आपका हो ही जाएगा, इस बात की 100% गारंटी मैं ले सकता हूँ। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको जो पूर्व के कई आपके मित्र, कई यूट्यूबर आपको बताते हैं कि किसी सवाल का जवाब ट्रिक से कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी लिंग्विस्टिक या भाषा विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं, जिसका कोड 20 है, 20 जिसका कोड है। मैं उस विषय से संबंधित कुछ सवाल जवाब, कुछ पाठ्य पुस्तकें, कुछ तरीके आपको बताऊँगा, तरीके और ट्रिक में फ़र्क होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या पाठ्यक्रम है, उससे क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने क्वेश्चन करे जाएंगे, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया, ये सब आप लोग जानते हैं, मैं कुछ पुराना नहीं बताऊंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या नया हो सकता है, और मैंने पूर्व ही कहा था कि नेट पास होने के क्या फ़ायदे हैं, नेट पास होने के क्या, पास नहीं हो पाता उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, मैं वह भी बताऊँगा श्रृंखला में। तो ऐसा ना माने कि आपका नेट हो गया है तो बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं आप, और यदि आपका नेट नहीं हुआ है तो बहुत कुछ खो गया है, ऐसा भी नहीं है। और नेट के एवज में सरकार ने क्या विकल्प दिया है आपको, 1 जून 2021 से, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, क्योंकि 1 जून 2021 के बाद से हो सकता है नेट नामक परीक्षा इस देश से समाप्त हो जाए। प्रक्रिया में है, अभी प्रोसेस में है वो प्रणाली अभी, कि क्या नेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नेट को मान्यता मिलनी चाहिए या PhD को मान्यता मिलनी चाहिए, MPhil देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन्हीं सभी अकादमिक जगत की गतिविधियों को लेकर मैं ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। एक हफ्ते में लगभग आपको 3 से 4 वीडियो ज़रूर मिलेंगे इस संदर्भ में, और बाकी अन्य वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, कुछ कुछ न्यूज़ से संबंधित, कुछ कुछ फेलोशिप या स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप कार्यक्रम से संबंधित, कुछ कुछ वाद विवाद या एडमिशन अलर्ट को लेकर, वह श्रृंखला भी या उससे संबंधित वीडियो भी जारी रहेंगे और ये वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल पर आपको लगभग लगभग कई क्षेत्रों से संबंधित वीडियो मिलेंगे। यदि मेरे व्यूअर या नए जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं यह ना समझे कि मैं केवल एक ही टाइप की वीडियो आपको दूंगा, मैं आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो दूंगा,
अकेडमी जगह से संबंधित वीडियो दूंगा, सोशल इश्यूज़ को लेकर वीडियो दूंगा, कोई विधेयक कोई कानून संसद में या वैश्विक स्तर पर आता है मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, कोई फेलोशिप या इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप आती है मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, और कोई वाद विवाद होता है अगर वैश्विक स्तर पर या राज्य स्तर पर उसकी भी चर्चा करूंगा। यदि आपको वाद विवाद हो, भाषण हो, पीडी हो, MUN हो, भाषण हो या फिर तत्क्षण भाषण हो, इनसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मैंने पूर्व में कई दसियों वीडियो बनाकर डाले हैं, उनको देख सकते हैं। यदि देखने का समय नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मुझे बताएं कि क्या जानना चाहते हैं, या अगर साहित्य के क्षेत्र में आप कविता के यानी कि लेखन के क्षेत्र में कुछ जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 7 साल तक साहित्य का अध्ययन भी किया है थोड़ा बहुत मैंने, उसके आधार पर यदि कुछ बता पाया तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो उसको लेकर भी आप कोई सवाल जवाब पूछना चाहते हैं तो मुझसे बेधड़क होकर कर सकते हैं। यह था पहला विषय, हिंदी साहित्य के विषय में कुछ वीडियो आपको बताए जाएंगे, डाले जाएंगे चैनल के माध्यम से, आप देखिएगा। दूसरा विषय है या कहीं पेपर है यूजीसी नेट का, जो बहुत विस्तृत है, जो कम से कम 7 से 8 विषयों को कवर करेगा मेरे उस विषय में। उस विषय का नाम है, कोड मुझे अभी याद नहीं है, 83 है, सॉरी उसका कोड है 60 उसका कोड है, और उस पेपर में 5 या 4 विषयों से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं, और जो भी विद्यार्थी UGC नेट का वह पेपर पास कर लेते हैं कम से कम 4 से 6 विषयों में MPhil PhD के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और उन 6 से 7 फील्ड में नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई माने जाते हैं। उस पेपर का जो शीर्षक है वह है बुद्धिस्ट गांधी मानवाधिकार एंड पीस स्टडी। इस 60 नंबर के कोड में इन चारों फील्ड से संबंधित क्वेश्चन करे जाते हैं। बुद्धिज्म से संबंधित 25 क्वेश्चन, जैनिज्म के 25 क्वेश्चन, गांधी एंड फिलोसफी को लेकर 25 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में से कुछ मानवाधिकार के और कुछ पीस स्टडीज़ को लेकर किए जाते हैं। तो ये विषय ऐसा है कि यदि आप इस विषय में नेट निकाल लेते हैं तो आप राजनीति विज्ञान में एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप इतिहास में एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप बुद्धिस्ट में, आप जैनिज्म में, आप ह्यूमन राइट्स में, आप पीस स्टडी में, आप गांधीयन स्टडीज़ में, ये 7 सब्जेक्ट हो गए, आप इसमें एलिजिबल होंगे पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी। यदि आपका मास्टर्स है इन 7 विषयों में और आपका नेट केवल इस एक विषय में जिसका कोड नंबर 60 है, तो इन 7 विषयों में आप एलिजिबल माने जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और MPhil और PhD करने के लिए भी। मेरा स्वयं का ये विषय है, क्वालिफाई हो चुका हूँ तो मैं इस विषय के फ़ायदे जानता हूँ। तो ये विषय बेहद टफ ही कहूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब इसका रिजल्ट आता है केवल 3 बच्चों का पूरे इंडिया में JRF होता है और 5 बच्चों का केवल नेट होता है। इसका कट ऑफ बेहद हाई इसलिए जाता है क्योंकि बेहद कम लोग ही इसमें अप्लाई करते हैं, और रीज़न ये भी है अप्लाई कम करने का, इसके क्वेश्चन टफ तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन इसकी मेरिट बेहद हाई जाती है, क्योंकि कई विषयों के इसमें आपको अध्ययन करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी का पाठ्यक्रम भर रहे हैं तो आपको हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा विज्ञान का अध्ययन करना है, इतिहास का पेपर भर रहे हैं तो एंशियंट मॉडर्न मिडिवल एंड पोस्ट मॉडर्न विषयों के संबंधित ही क्वेश्चन आपको अध्ययन करने पड़ते हैं, लेकिन इस विषय में आपको कई क्षेत्रों के, कई दार्शनिकों के, कई रिलीजियस के, कई पॉलिसीज़ के एंड कई फिलोसफी के संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये विषय बेहद बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और इस विषय पर लगभग मेरे 2 से 3 वर्षों का अध्ययन है, उस अनुभवों के आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कुछ तरीके बताने का प्रयास करूंगा, और किन पुस्तकों के माध्यम से, किन जर्नल्स के माध्यम से और किन पूर्व से बेहतरीन बुकों के माध्यम से अपना अध्ययन करें इन 1 से 1.5 महीने की तैयारी में, कि आपका 100% नेट आपके हाथ में होगा और जॉब भी आपके हाथ में होगी। तो आप मेरे इस 10 मिनट के वीडियो को शेयर करें यदि जानकारी अच्छी लगी है, और आने वाले मेरे 1 से 2 वीडियो एक फेलोशिप या इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में है उसको ज़रूर देखें। उस फेलोशिप के संदर्भ में 2 वीडियो, एक खासकर उसका परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, उसको देखिएगा, और उस इंट्रोडक्शन के बाद एक वीडियो मैंने और डाला है जो कि UG एंड PG लेवल के बच्चों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस प्रकार के सवालों के आपको जवाब देने, ये 5 चीज़ मैंने उस वीडियो में डाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। कोई समस्या आती है सवाल करिएगा, कोई उलझन हो
बेझिझक पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, गलती से चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, और जिसको आपने वीडियो शेयर किया है उसको मना कर दें कि ये गलत जानकारियां हैं, आगे शेयर ना करें। लेकिन यदि आपको सब चीज़ें ठीक लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आपने वीडियो को इतना देखा, पसंद किया, सराहा, और वेट करिए उस श्रृंखला का जो एनटीई नेट से संबंधित परीक्षाएँ होने वाली है। इन दो पाठ्यक्रम, खासकर हिंदी, हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषा विज्ञान की बात, हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ, उनके क्या तरीके हैं प्रश्न पत्र को हल करने के, कौन सी बेहतरीन पुस्तकें हैं, और पूर्व के कुछ लगातार आए हुए पैटर्नों की मैं बात करूंगा। और दूसरा, मैं बुद्धिज्म, गांधीज्म, जैनिज्म और मानवाधिकार का संबंधित पेपर नंबर, उसका कोड नंबर 60 है, उसकी मैं बात करूंगा, जिसमें कई विषयों से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल जवाब किए जाते हैं। इन दो विषयों की क्लासेस आपको दी जाएगी और आपको वीडियो 10 से 15 मिनट के मिलेंगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं विस्तृत तरीके से बात नहीं करूंगा, मैं केवल तरीकों की बात करूंगा। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा जो यूट्यूबर आपको बताते हैं कि ये कोड याद कर लीजिए, ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक से और शॉर्टकट से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है, कुछ पल की खुशियाँ मिल सकती है, और मैं आपको खुशियाँ नहीं देना चाहता हूँ बल्कि कामयाबी का मार्ग और कामयाबी का तरीका आपको बतलाना चाहता हूँ, जिस पर आप चलकर और व्यक्तियों को और आने वाली पीढ़ी को कामयाब बनाएं, उनके भविष्य के लिए आपका योगदान दे सकते हैं। और आपके भविष्य के लिए अगर दिन में 1% भी कुछ दे पाया तो मेरे चैनल का और मेरे जीवन का मैं कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव मानकर आपका शुक्रगुजार हूँ, और ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे कुछ कार्य लगातार करते रहेंगे। और अंत में एक मिनट में, और जो मैं हर वीडियो में पिछले वीडियो में बोल रहा हूँ कि कोरोना से संबंधित जानकारियों को जानें, लोगों को सही जानकारियाँ बताएँ, भ्रम से बचें, भ्रम जो फैला रहे हैं उनको चेतावनी भी दें और उनको सतर्क भी करें। सरकार की नीतियों को और स्वयं के तरीके से आप कितना उसका अच्छे से अच्छा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन सभी को लागू करें, सरकार के नियमों का पालन करें, और आपकी सेल्फ की इच्छा से ही कोई भी कानून सफल हो सकता है या असफल होता है। इसलिए हर काम सरकार करेगी, हर काम आप कानून के डंडे से करेंगे वह ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपकी सेल्फ की, जो संविधान के IPC के आर्टिकल 51 में जो ड्यूटीज़ दी हैं, उनका पालन करने का, लागू करने का यही सही वक्त है कि देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं उनको जाने, अधिकारों से पूर्व कर्तव्य को करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। आपने वीडियो को बर्दाश्त किया, मुझे झेला, मुझे नहीं पता कितना समझा पाया, कितना आप समझ पाए, कुछ कमी मुझे रही होगी तो मुझे क्या सुझाव करना है, मुझे सुझाव दीजिएगा। नया नया आपके समक्ष आपका ये मित्र आया है तो मुझे सुझाव भेजक दीजिएगा, वीडियो को प्रसारित कीजिएगा। यदि लॉजिक पूर्ण लगा हो और सही लगा हो, गलत लगा हो तो वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत मत उठाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम साथी, नमस्कार।